सारे दमों के हटा से जहाँ पे न लाइट न पानी और ना कछु सुख सुविधाएं, बिना पलंग के, बिना बिस्तर के, बिना खावे पीवे की सामग्री के, फिर भी मजबूर हो रहे छात्र छात्रा छात्रावास में रहवे के लाने। ना तो इतने कोई प्रकार के पुख्ता दस्तावेज है और ना कोई प्रकार की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा छात्रावास में रहवे वाले बच्चन का दी जाती है, वे इन्हें मिल रही। हर राजनीतिक दल आदिवासियों के वोट को लाने होते पे उनको सबसे बड़ा वोट बैंक मानत है, उतना ही कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए जा चुनाव के दौरान। सरकार भी आदिवासियों के हित के लाने अनेक योजनाएं संचालित कर रही, लेकिन इन योजनाओं को कैसे पलीता लगाओ जाए, ईगो सबसे बड़ा उदाहरण देखवे का मिलो। हटा नगर के शिक्षा परिसर में तालाब के पास बनाए नए शासकीय आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में, जहां पे आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित ई छात्रावास में विगत 4 माह से ग्रामीण क्षेत्र के 4 आदिवासी बालक रह रहे। ई छात्रावास की देखरेख की जिम्मेदारी एक चौकीदार का सौंपी गई है, उतने जी के पास में देखरेख के नाम पे मात्र साफ सफाई को जिम्मा सौंपोगो। चौकीदार आशीष चंद्रकार ने बताओ है कि अप्रैल में हम पदस्थ भय हते, अप्रैल मई को वेतन भी नहीं मिलो, छात्रावास को प्रभार अभी तक कोखा नहीं सौंपोगा, उतनी छात्रावास में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसे छात्र छात्रन को कहवो हो कि भैया हम इन सुविधाओं से खुश हैं। उतनी छात्र हैं विकास आदिवासी, गौरव आदिवासी, रोहित आदिवासी, भूपेंद्र आदिवासी ने बताओ है कि सरकार की योजना अनुसार हम छात्रन ने इतने प्रवेश लाओ जिसके बाद में व्यवस्था देख के वापस लौटवे को भी मन कर रहे थे। छात्रावास में ना तो बिजली है, ना पानी, ना खावे की व्यवस्था, पड़ोस के छात्रावास से लेके खाना हम उनका खाने पड़ाते हैं, चाय दूध देखवे का भी नहीं मिलो आज तक, और पलंग बिस्तर कछु भी नहीं है। अब तो ठंडियन को दिन है तो इतने पे दिक्कत होते, ना तो कोई भी प्रकार के कपड़ा बिछावे की व्यवस्था है। छात्र हैं उनको क्या वो तो कि अभिभावक हैं छन्नू आदिवासी महिवा ने बताओ है कि 24 किलोमीटर दूर से बेटा पढ़ाई के लाने भेजो है तो, लेकिन इतने पे आके देखो तो बेटा तो भूखा ही सो जात। छात्रावास में छात्रावास के लोग जो हैं वे परेशान हैं ते के रहने वाले छात्र। छात्रावास के प्रभारी RS अहिरवार ने बताओ है कि छात्रावास के संचालन के लाने टैबलेट विभाग से मिली हती, उतई उबे सारे दस्तावेज साधारण होवे से अबे तक को भी मंजूरी नहीं मिली। दूसरे छात्रावास से बिजली पानी खाना की अस्थायी व्यवस्था करी जा रही, सरकार लाखों रुपया देते हैं लेकिन जात तो जात कहाँ है पतो नहीं है, अधूरी व्यवस्था है और विभाग ने इका हैंडओवर भी कर दो। विभाग द्वारा बिना प्रचार प्रसार और बिना कोई भी सुख सुविधा की इका आखिरकार चालू कय करोगो। छात्रावास में 50 से अधिक छात्र का रुकवे की व्यवस्था है लेकिन रुके मात्र 4 हैं, कहे कि नए भवन में अब डरावनो लगाते कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उतनी जब दमोह कलेक्टर SK चैतन्य को अवगत कराओगे पूरा मामला तो उनको कह वो तो कि हम अबे दिखवाते हैं, कहे कि अब यहाँ पर के माध्यम से हमें इस छात्रावास के बारे में जानकारी मिली है। कहा कह रहे होते पे रहवे वाले छात्रावास के छात्र सुन लो। कब से चालू है छात्रावास? छात्रावास तो जुलाई से चालू हुई थी, एडमिशन 3 बच्चे हैं छात्रावास। तो उन बच्चों के लिए लाइट वगैरह पानी और खाना की क्या व्यवस्था है? खाना की अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है और लाइट का भी वहाँ से लिए है सीनियर बालक छात्रावास से। अभी कटी क्यों है? अभी चालू है यानी 3D में कहलाई यानी परमानेंट मीटर नहीं लगाया और खाने के लिए वहाँ सीनियर बालक छात्रावास हटा से वहीं से होता है लोगों का खाना। 3 बच्चे हैं छात्रावास में। 2 महीने हो गए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th क्लास। 4 महीने हो गए। तो यहाँ पे तुमको बिजली वगैरह पढ़ाई काय में कर रहे हैं? रात में बिजली मिलती है, सुबह नहीं मिलती। खाना वगैरह? खाना मिलता है। कहाँ से? दूसरी गाड़ी में होता है। यहाँ बैग नहीं है, कपड़े नहीं है। और खाना? खाना भी नहीं, खाना मिलता है पर दूसरी ऑटो से।
टेबल फर्नीचर वगैरह? ये भी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, क्या समस्या? गौरव आदिवासी। कहाँ से हो? महेवा। क्या समस्या है आपको छात्रावास में? हमें बेड नहीं है और लाइट भी नहीं है और टेबल कुर्सी फर्नीचर नहीं और खाना की समस्या है, पानी की समस्या है और लैट्रिन बाथरूम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।